नमस्कार, द सेकेंड वाइफ लजीज खाना पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं स्टफ्ड पोटैटो बनाने जा रही हूँ, जो देखने में भी बहुत सुंदर और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होता है। इसके लिए मैं 10 आलू को छील करके साफ करके इस तरीके से मैं रख ली हूँ, आप देख सकते हैं। और ये सारे मसाले हैं मूंग का दाल, और ये सारे मटेरियल नारियल काजू, और ये प्याज है, गरम मसाला वगैरह सारे हैं, और ये दही है, और मलाई, बेसन और मैदा, इसका घोल तैयार करना है। अब इस आलू को पीस बना ली हूँ दो दो भाग में, और पिलर के मदद से इसका अंदर से होल करेंगे और टोटल इसमें का पल्प निकालेंगे। देखिए इस तरीके से सभी को इसी तरीके से निकाल लेंगे, देखिए। और ये रहा आलू का जो अंदर से निकाली हूँ, इसको भी मैं यूज करूँगी स्टफ्ड के लिए, आगे प्रोसेस में बताऊँगी। अब घोल का प्रोसेस मैं कर रही हूँ, बेसन, मैदा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मिक्स करेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। घोल तैयार करना है, देखिए ऐसा ही बैटर मुझे चाहिए। अब नॉनस्टिक गरम करके और ये मूँगफली में डालूँगी, भूनूँगी। ये थोड़ा सा भून जाएगा तो मैं इसमें नारियल डालूँगी और थोड़ा सा बटर भी डाल दूँगी ताकि जल्दी भून जाए। और केवल ये बटर से बन रहा है तो बटर तो सब में डालना ही पड़ेगा, ये ज़्यादा ही टेस्टी होगा। ये स्टफ के लिए मैं तैयार कर रही हूँ, इसे भरावन भी कहते हैं। अब काजू डाले हैं, इस सभी को फ्राई करके निकाल करके ठंडा होने के लिए रख देंगे, और जब ठंडा हो जाएगा तो मिक्सी में पीस लेंगे। अब गैस बंद करके इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, और फिर इसी पैन में बटर डाल करके मूंग का दाल को फ्राई करेंगे। इसको केवल सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। मूंग का दाल 2 घंटे में फूल करके तैयार हो जाता है, मैं 2 घंटे पहले ही भिगो दी थी। इसको फ्राई कर लेंगे और निकाल देंगे, फिर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और इसमें बटर डाल करके ये दालचीनी, लौंग, इलायची और थोड़ा सा कबाब चीनी, इसको फ्राई कर रही हूँ, और खल में इसको क्रश करेंगे। और हरी मिर्च भी है, इसको भी थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, और सॉफ्ट करके चॉप करना है। सब स्टफ्ड के लिए मटेरियल तैयार कर रही हूँ, स्टफिंग करना है। देखिए ठंडा हो गया, अब पीस ली, मुझे ऐसा ही चाहिए, दरदरा, ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए। और इसको खल में कूट लूँगी इस तरीके से, थोड़ा सा हल्का रहेगा बारीक, सबको इसमें मिक्स कर देंगे। और फिर दाल ठंडा हो गया, उसको भी पीस लेती हूँ। देखिए इसको भी दरदरा ही रखना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। अब बटर डाल करके आलू को फ्राई करेंगे, क्योंकि सबको एक साथ मिक्स करना है तो आलू को पकाना है। इसमें भी बटर ही डाली हूँ, और बटर से ही तैयार करना है, और ढक करके पकाएंगे। फिर देखती हूँ इसको, देखिए इस तरीके से, फिर ढकूंगी, दो दो मिनट पर चेक करूंगी। ये पक गया है तो इसको मैश करके इस तरीके से कर लेंगे, और इसमें पलट देंगे। ये हरी मिर्च को जो मैं फ्राई की थी उसको चॉप्ड कर ली हूँ, और इसी में आलू का भी मैश किया हुआ,
इसमें मिक्स कर देंगे। नमक स्वाद के अनुसार ही डालेंगे स्टफिंग के लिए। और ये पनीर मैं पहले दिखाई थी छोटा सा स्लाइस, उसको हाथ से ही मैश करना है। इसको ना मिक्सर ना ग्राइंडर, ऐसे ही करके इसमें डाल देंगे। और इसको भी मिक्स करेंगे इसी में। बहुत ही लाजवाब बनने वाला है ये। देखिए मैं हाथ से मिला रही हूँ। अब इसको उस आलू में स्टफ करेंगे इस तरीके से। बहुत आसानी से हो जाता है, आप एक बार बनाइए तो सही, आप बना करके देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है ये। और कमेंट ज़रूर कीजिए, बनाइए और खा करके फिर कमेंट कीजिए कैसा बना आप लोगों से। देखिए पूरे को मैं इस तरीके से भर ली हूँ, पूरे आलू को। अब चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। पहले ग्रेवी का मैं मटेरियल तैयार कर दूँ। ग्रेवी के लिए जो गरम मसाले हैं, दालचीनी वगैरह, सबको फ्राई कर ली। और इसमें ही मैं सारे मटेरियल डालेंगे। थोड़ा सा जीरा आधा चम्मच के हिसाब से, देखिए आधा चम्मच ब्लैक पेपर, काली मिर्च, फिर धनिया पाउडर, धनिया दाना सॉरी, ये लहसुन की कलियां कुछ। सबको थोड़ा थोड़ा फ्राई करके, और एक काजू, लगभग 10 से 15 काजू जितना आप बनाना चाहते हैं। ये रेड मिर्च, लाल मिर्च और एक प्याज, इसको मैं थोड़ा सा मोटा काटी हूँ क्योंकि पक जाएगा, ढक करके पकाऊंगी तो केवल सॉफ्ट करना है, नरम हो जाएगा तो ठंडा करके मिक्सी में पीस देंगे। और ये टमाटर, अगर आप टमाटर ज़्यादा लेना चाहते हैं तो इस जगह पर इतना मटेरियल में 2-3 टमाटर डाल सकते हैं, मैं एक ही डाली हूँ। और नमक थोड़ा सा डाल करके इसको फिर से ढक करके पकाएंगे। थोड़ा पानी डाल देते हैं ताकि जल्दी ये सॉफ्ट हो जाए, और फिर ढक देंगे। देखिए ये पक चुका है, ये पानी भी सूख गया है। अब गैस बंद कर देंगे, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसको पीस लेंगे मिक्सी में। और तेल गर्म हो रहा है, इस आलू को मैं फ्राई करती हूँ। एक एक करके आराम आराम से डालिए। खाने में बहुत ही लाजवाब लगता है। आप देख सकते हैं कितना क्रंची हो रहा है। अब निकाल लेंगे इसको। बीच बीच में इसको थोड़ा थोड़ा हिला करके चारों तरफ से पका लेंगे। आलू है और सबको इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करना है, ऊपर से क्रंची रहेगा, अंदर से सॉफ्ट रहेगा। देखिए इस तरीके से। अब इसको बैक साइड से इसको कट करते हैं चाकू से। अब इसमें बटर ज़्यादा पड़ने वाला है। आप कहीं भी तेल का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखे होंगे, केवल आलू को फ्राई करने के लिए मुझे तेल का इस्तेमाल करना पड़ा है, बाकी सभी जगह मैं बटर का ही इस्तेमाल की हूँ। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इसमें मिलाते हुए 2 मिनट पका करके
अभी पेस्ट को डालेंगे जो मैं पहले से ही पेस्ट तैयार करके रखी हुई हूँ। सभी को निकाल करके इसमें डाल लेंगे और बचेगा उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके मिला करके फिर डाल देंगे। ये सारे मसाले तो भुने हुए हैं, इसको ज़्यादा फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो 2 मिनट पकाना पड़ेगा। अब नमक स्वाद के अनुसार डालिए, सभी जगह थोड़ा थोड़ा नमक डाला हुआ है, आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर दिखने में लग रहा है। अब इसमें दही डालेंगे, दही को मिला लेंगे, बहुत ही क्रीमी लग रहा है। पराठे के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगता है। जो कटोरे में थोड़ी सी दही लगी थी उसमें पानी डाल करके फिर इसमें डाल दी हूँ। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो पानी और डाल सकते हैं। ये कसूरी मेथी है, क्रश करके डाल रही हूँ। कसूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही शानदार लगता है। मैं एक कटोरा पानी डाल रही हूँ, अगर आप ज़्यादा लेना चाहते हैं तो इसमें ज़्यादा भी पानी डाल सकते हैं, क्योंकि इसका ग्रेवी गाढ़ा हो जाता है। और मैं बोली थी ना इसको बैक साइड से कट करना है, ऐसे इसको कट करना है इस तरीके से, सभी आलू का इसी तरीके से कट कर देने हैं। आप देख सकते हैं, देखिए ऐसे, ताकि ग्रेवी इसके अंदर भी चला जाए। अब एक उफान आ गया है, इसमें आराम आराम से सभी आलू को डाल देंगे। आलू भी पका हुआ है और ग्रेवी भी तैयार है, ये 2 से 3 मिनट में रेडी हो जाएगा। देखिए ये रेडी है, इसमें क्रीम डालेंगे, क्रीम से बहुत ही ज़्यादा ही क्रीमी लगेगा ये। देखिए सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ऐसे ही नए नए रेसिपी आप लोगों के लिए मैं लेकर के आती रहूँगी। धनिया पत्ता से इसको सजा देंगे, फिर थोड़ा सा क्रीम से भी ऊपर से सजा देंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा क्रीम डाल देंगे। नए नए रेसिपी देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों का, और कमेंट ज़रूर कीजिए आप लोग बना करके खाएंगे तो कैसा आप लोगों से बना, ताकि मैं और भी अच्छा अच्छा रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर के आती रहूँगी। आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि मैं जो भी बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ज़रूर जाए। फिर मैं नए रेसिपी के साथ आप लोगों के पास मिलती हूँ। थैंक यू।